तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तो एक परफेक्ट कंपैरिजन के लिए हमें इन दोनों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इंडिया की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और वही पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। अभी तक इन दोनों के कलेक्शन डिस्प्ले नहीं हुए। 80s के टाइम पे जहाँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऊंचाइयां छू रही थी, वही 70s के टाइम पे गोल्ड माने जाने वाली पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 80s के बाद से लॉस में चल रही थी लगभग 2007 तक। 2008 में आई गजनी मूवी जो कि इंडिया की पहली 100 करोड़ कमाने वाली मूवी थी, और वही पाकिस्तान की पहली 100 करोड़ कमाने वाली मूवी था लीजेंड ऑफ मौला जट जो कि 2022 में रिलीज हुई थी। और फन फैक्ट ये कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी है। इसके लीड पाकिस्तान के सबसे महंगे एक्टर फवाद खान जिनका पर मूवी चार्ज 2 करोड़ है। और वही इंडिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी दंगल जिसका कलेक्शन 2024 करोड़ रुपए है, और इंडिया के सबसे महंगे एक्टर अक्षय कुमार जो पर मूवी चार्ज करते हैं 120 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इन दोनों इंडस्ट्री का कंपैरिजन जस्ट लाइक मेरे और मिस्टर बीस्ट के कंपैरिजन जैसा है। बट पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का इतना पीछे रह जाने के भी कई कारण है, जैसे उनकी पॉपुलेशन, मनी और उनकी पिक्चर क्वालिटी। पाकिस्तान फिल्म्स इंडिया में बैन है लेकिन इंडियन फिल्म्स पाकिस्तान में बैन नहीं है। ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। कोई इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना।